बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये कल का व्लॉग है जो मैंने कल 9 मुहर्रम का हमारे यहाँ मतलब न्याज दिलाया जाता है, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो रोड आप देख रहे हैं कि एक चूल्हे पर एक तरफ जो है ना रोड बन रहा है और दूसरी तरफ मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो है कुर्बानी का गोश्त मैंने रख दिया था, तो इसके छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर लिए, कुछ हड्डियाँ भी ले ली हैं। तो हड्डियाँ डालने से जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है खिचड़े का। तो बस मैंने गोश्त इस तरह से धो के खुश्क होने के लिए रख दिया है पानी, और दाल भी उबाली मैंने, चने की दाल इस तरह से उबाल के मैंने रख दी है। तो बस सब रेडी है, अब मैं जो हूँ ना कोरमा रेडी कर रही हूँ। कोरमा रेडी हो जाएगा तो फिर खिचड़ा दम पे लगाऊंगी मैं, और खिचड़ा तैयार होने के बाद मैं उसकी जो है ना वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि फिर मैं बांटने में लग गई थी और फिर मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि मैं उसको शूट कर लूँ। तो बस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर भी हो गया था फातिहा में, तो इस वजह कर जो है ना फिर मैं बांटने में लग गई। और यहाँ पे तकरीबन मेरी सारी तैयारियाँ रेडी हो चुकी हैं, बस मुझे अब खिचड़ा फटाफट रेडी करना है। रोड भी तकरीबन बन चुका है, तो दो रोड बनाया था मैंने, एक रोड हमारा रेडी हो चुका है, दूसरा जो है चूल्हे पे चढ़ा हुआ है। तो बस ये देखें, अब मैं सिर्फ खिचड़ा और रोड ये इस तरह से मैं बांटूंगी पूरे मोहल्ले में। तो मलिदा इस बार मैंने नहीं बनाया है क्योंकि बस दिल भी नहीं चाह रहा था और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें तो मुहर्रम के महीने में चलती है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जो कुर्बानी है ना उसको उस पर जो है ना हमें मतलब सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मुहर्रम में सिर्फ ढोल बाजे बजाने का जो नहीं है सिर्फ, और जो है ना इसमें जो है न्याज भी दिलवाना चाहिए, बिल्कुल दिलवाना चाहिए। लेकिन जो है ना उन्होंने सेक्रीफाइस क्यों किया था, क्या वजह थी, क्या रीज़न थी कि यजीद के सामने वो नहीं झुके, वो उन्होंने मतलब क्या बताया हमें, तो इस पे भी हमें गौर फिक्र करना चाहिए। और मुहर्रम के महीने में बिल्कुल 9-10 को आप बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को इस पे डिस्कस करें। और हमारे घर में भी इस तरह से हुआ था कि हम हस्बैंड वाइफ हम दोनों बैठकर बच्चों से हमने डिस्कस किया इस मामले को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों इस तरह से किया था और यजीद क्या चाहता था, क्या हुआ, और इस तरह से मतलब बहुत सारी बातें, तो उन्होंने कुर्बानियाँ क्यों दी, वो क्यों नहीं झुके, और रीज़न क्या थी कि उनके पूरे ख़ानदान ने कुर्बानी दी लेकिन वो नहीं झुके। तो निज़ाम का भी इसमें होता है कि निज़ाम भी चेंज हो जाता है, सारा चेंज हो जाता है, लेकिन जो कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है जो हमारे नबी के ज़रिए हम तक पहुँचा, तो वो जो है ज़्यादा बेस्ट और हक है। तो यजीद का जो बनाया हुआ निज़ाम है वो हक नहीं था, इस वजह कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो नहीं झुके उनके सामने, उसके सामने। और ये जनाब आप देख रहे हैं ये परसों का व्लॉग है, मैं उस वक्त की सारी जो के कोर्स है उसकी जो एडमिशन मैंने करवाया है, तो नर्सरी में एडमिशन हुआ उस वक्त का, तो बस उसकी जो किताब और कापियां है ना उसमें मैं प्लास्टिक कवर चढ़ा रही हूँ। तो ये भी एक काम होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो बस ये सारे जो उस वक्त के हो चुके हैं, अब उस वक्त जो बड़ा बेटा है मेरा अथर, ये उसकी कॉपियां हैं इसमें जो है ना। अच्छा, हर साल अथर को जो है कॉपियां स्कूल से मिल जाती थी, लेकिन शायद कोविड की वजह से इस बार उन्होंने कॉपियाँ नहीं मतलब बनवाई, तो फिर हमें कहा कि आप बाहर से आप ले लें और इस तरह से शीट कवर चढ़ा लें ब्राउन कलर की। तो बस वो ये भी एक डबल काम हो जाता है, शीट चढ़ाओ फिर प्लास्टिक कवर चढ़ाओ, तो बस ये बहुत ज़्यादा मतलब ये भी अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाता है। तो बस ये मेरे सारे काम हैं। तो बात कर रही थी मैं सेक्रीफाइस की, तो उन्होंने सिस्टम से मतलब सिस्टम से उन्होंने सिस्टम के सामने उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। तो हमें भी हमारे लिए भी ये एक सबक है कि जो भी सिस्टम है अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के मतलब कहने के मुताबिक नहीं है तो हमें बिल्कुल भी उसके सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, और हमें सिर्फ अल्लाह और उस जो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है जो आजकल बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन हो गया है। अभी हाल फिलहाल 14 अगस्त में जो हमारे मुल्क में एक वाक़या हुआ टिकटॉकर के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। तो जो हमारी माएँ हैं, जैसे मैं एक माँ हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ अपने बेटों की भी अच्छी तरबियत करूँ, उन्हें बताऊँ कि औरत की इज़्ज़त कैसे करते हैं। औरत सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी औरत नहीं होती, दुनिया की जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब औरत है, और आप अगर वो कोई औरत
आपके ऊपर किसी तरह से, इस तरह से अगर आप देखते हैं तो वो औरत आपके लिए मतलब एक तरह से ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसकी हेल्प करें, आप उसको बचाएं, क्योंकि ये तो ऐसा वाकया ये किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। तो कोई ये ना सोचे कि ये उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हो सकता। तो जनाब बस सिस्टम के मतलब सिस्टम अगर आपको लग रहा है कि ये सही सिस्टम नहीं है तो आप उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल आवाज़ उठाएं, आप जितना उठा सकते हैं आप वो करें। आप ये ना देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखें, वो भी बिल्कुल तन्हा थे और उनके मुकाबले में कितने लोग थे, लेकिन वो उन्होंने सर नहीं झुकाया, वो आखिरी तक डटे रहे। तो बस हमें ये सबक मिलता है और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत करें और उन्हें बताएँ कि बेटा किस तरह से हमें किस तरह क्या करना है। तो जनाब बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।